गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आइए हमारी पार्टी एक हिंदी व्याकरण का अभ्यास करते हैं। इसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान तीन प्रकार से करता है, संकेतों द्वारा, बोलकर तथा लिखकर। संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए भावों अथवा विचारों को सांकेतिक भाषा कहते हैं। बोलकर व्यक्त किए गए भावों अथवा विचारों को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर व्यक्त किए गए भावों अथवा विचारों को लिखित भाषा कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 22 भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये हमने पाठ का सारांश पढ़ा है। अभी कुछ अब हम इसका व्याकरण के पहले पाठ का अभ्यास कार्य याद करेंगे। सही का निशान लगाइए, जिसमें तीन उत्तर होते हैं, आपको एक सही बताना होता है। संकेतों द्वारा व्यक्त की गई भाषा कौन सी भाषा का रूप है? सांकेतिक भाषा। सही उत्तर है आपका सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा का कौशल नहीं है? बोलना, लिखना, देखना। तो भाषा का कौशल देखना नहीं होता है, तो सही उत्तर है आपका देखना। भाषा को शुद्ध रूप से बोलकर पढ़ना और लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण। कौन सिखाता है? व्याकरण। अब दिए गए वाक्यों के सामने सही और या गलत का निशान लगाइए। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही। भाषा द्वारा विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, गलत। हम व्याकरण द्वारा भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं, सही। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, सही। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपको ऐसे याद नहीं करने हैं कि क का उत्तर सुनकर, ख उत्तर तमिल, ग उत्तर देवनागरी, ऐसे नहीं याद करना है। आपको पूरा वाक्य याद करना है, तब आपको वो शब्द जो भरना है आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। भाषा द्वारा बोलकर और सुनकर विचार प्रकट किए जाते हैं। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अब है आपका भाषाओं का उनकी लिपि से या जो देश हैं उनका उनकी भाषाओं से मिला। फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। ये देखिए कुछ चित्र हैं। उर्दू कहाँ से आई है? फारसी लिपि से। पंजाबी गुरमुखी लिपि से। बांग्ला बंगाली लिपि से। गुजराती देवनागरी लिपि से। मराठी देवनागरी लिपि से। संस्कृत देवनागरी लिपि से। अब है आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राधा से गिलास टूट गई, ये अशुद्ध वाक्य है, मतलब गलत है। आपको सही करके लिखना है इसको वाक्य को। तो सही क्या है इसका? राधा से गिलास टूट गया। तारे आसमान के लिए चमकते हैं, नहीं आएगा इसमें, गलत है ये। सही है आपका आसमान में तारे चमकते हैं। तीसरा है आपका हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ, गलत है ये। सही है इसका मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। चौथा है आपका, देखिए नेताजी मंच पर आ गया है। सही है इसका नेताजी मंच पर आ गए हैं। बिंदी भी लगी हुई है वहाँ पर।
तो आपको भी ऐसे ही लगानी है। तो ये इसका वाक्यों के शुद्ध रूप है और अशुद्ध वाक्य से आपको शुद्ध बनाने हैं और सारे कार्य को लिखकर देखना है।